जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस। विश्वमित सेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गणित शिक्षा शास्त्र का ये अपना पार्ट 13वां है और इसके पहले हमने 12 पार्ट अपलोड किए हैं, वो जरूर देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा। ऊपर प्लेलिस्ट का आपको बटन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। पर्यावरण की, गणित शिक्षा शास्त्र, गणित पर्यावरण, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सभी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, तो जरूर पढ़ें। ठीक है, आज हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि गणित शिक्षा शास्त्र के ओल्ड पेपर से संबंधित है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और चलिए पढ़ते हैं अपने पूरा का पूरा वीडियो, यहाँ पर आपको देखना है और एक एक प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, कमेंट में सभी लोग उत्तर बताएंगे। चलिए तो देखते चलिए। हैं। तो आपका प्रश्न है, 3C A+B एक खाली स्थान है, क्या है? बीजगणितीय समीकरण, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद या फिर त्रिपदीय बहुपद, क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, समझ या फिर मनोवृत्ति, तो क्या नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मनोवृत्ति, है ना। विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है तो वो मनोवृत्ति नहीं है, यानी कि 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवश्रेणियन स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? बृहत शिक्षण के रूप में, सूक्ष्म शिक्षण, प्रवीण शिक्षण या फिर मॉडल शिक्षण, किसके रूप में जाना जाता है अवश्रेणियन शिक्षण संघर्ष? तब आपका उत्तर क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग, है ना, माइक्रो टीचिंग के रूप में जाना जाता है ना, स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष जाना जाता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सिद्ध विशिष्ट से खालिस्तान की अवधारणाएं हैं, त्रिकोणमिति की, बीजगणित की, ज्यामिति की, अंकगणित की। तो स्वयं सिद्ध विशिष्ट से खालिस्तान की अवधारणाएं हैं, तो ये अवधारणाएं जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी? ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि 3 नंबर, स्वयं सिद्ध विशिष्ट से ज्यामिति की अवधारणाएं हैं, 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्गोरिदम डी न्यू मेरे इंडोरम खालिस्तान के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य था, तो किसके द्वारा? अल खरकली, अबिल बेफेर, उमर खयाम या फिर अल ख्वारिज्मी। एल्गोरिदम की न्यू मेरी इंडोरम खालिस्तान के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य था, तो किस पर किया गया कार्य था? अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी यानी कि 4 नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान 2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर जो है अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है, तो क्या है? संकेतन की समझ, संख्या की पहचान, संकेतन की पहचान या सहज संख्या बोध। खालिस्तान 2 साल की बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहज संख्या बोध। सहज संख्या बोध 2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला देखो, खालिस्तान के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। आयत, आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को या फिर समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को या समचतुर्भुज के या पतंग के, किसकी आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आयत। आयत के आसन्न
भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से सम चतुर्भुज बनता है, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया खाली स्थान है, तो कौन सी है? विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया खाली स्थान है, तो कौन सी है? वर्गीकरण, तुलना, विभेदन या फिर सूचीकरण, कौन सी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि एक नंबर, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक जो क्रिया है वो वर्गीकरण है, एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 31 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? चिल्लाना, प्रदर्शन, जांच या अन्वेषण, कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है बतानी है। तब चार विकल्प में से चयन करके सभी लोग उत्तर बताएंगे और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चिल्लाना। कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? तो चिल्लाना नहीं है, यानी कि एक नंबर, ठीक है एक नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपको बताना है, भुज या भुजांक खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, अक्ष के, बिंदु के, कोटि अक्ष के या अक्ष के, किसके नाम से जाना जाता है भुज या भुजांक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अक्ष के नाम से भी जाना जाता है भुज या फिर भुजांक, ठीक है एक नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, किसके अध्ययन के माध्यम से? विश्लेषणात्मक ज्यामिति के, स्थानिक ज्यामिति के, बीज गणित के या फिर अंक गणित के? तो कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष किसके अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। तब आपके चार विकल्प में से एक का चयन करना है और उत्तर 1, 2, 3 करके कमेंट में बताना है। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्थानिक ज्यामिति। स्थानिक यानी कि जो विकल्प नंबर 2, कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष स्थानिक ज्यामिति के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, 2 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे खालिस्तान द्वारा कहा गया था, थेल्स, पाइथागोरस, एंचेड या फिर प्लेटो, किसके द्वारा कहा गया था कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्लेटो के द्वारा। प्लेटो यानी कि 1, 4 नंबर आपका सही होगा। प्लेटो के द्वारा कहा गया कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, है ना 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाप विकर्ण से कम तथा चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिच्छेदन बिंदु की भुज खाली स्थान है, तो क्या है? बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। चाप विकर्ण से कम तथा चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिच्छेदन बिंदु की भुज खाली स्थान है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा साथियों माध्यिका। माध्यिका यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको विषम चुनना है, विषम चुनो तो जल्दी से चुनो। तब आपको बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है, सभी को पता है कि ये जो अंक है वहाँ की ये चिन्ह है ना, तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ठीक है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित का सामान्यीकरण है बीजगणित, प्रायिकता, सांख्यिकी या फिर कैलकुलस, तो अंकगणित का सामान्यीकरण है तो क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका बीजगणित। अंकगणित का सामान्यीकरण माना जाता है बीजगणित, यानी कि जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं, अधिकतम 2 हल, एक अद्वितीय हल, अनंत हल या फिर 2 से अधिक लेकिन 4 से कम, आपको बताना है। 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं तो कितने होते हैं? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अनंत हल होते हैं। 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं अनंत हल, यानी कि 3 नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे, यह खालिस्तान से संबंधित है, ज्यामिति से अपरिचित है, तो सोफिस्ट स्कूल से, प्लेटोनिक स्कूल से, पहला अलेक्जेंड्रियन स्कूल या फिर आयोनिक स्कूल, कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे, ये कथन संबंधित है, तो संबंधित है प्लेटोनिक स्कूल। प्लेटोनिक स्कूल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है? बिंदु,
चतुर्भुज, वृत्त या फिर अभाज्य संख्या। अब परिभाषित पद आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करना है। सभी लोगों को आंसर आपका हो जाएगा बिंदु। बिंदु यहां पर आप परिभाषित पद माना जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लीलावती के लेखक थे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या फिर रामानुजन। लीलावती के जो लेखक थे वो कौन थे? तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भास्कराचार्य, यानी कि विकल्प नंबर 3। लीलावती के जो लेखक थे वो भास्कराचार्य थे। ठीक है, 3 नंबर आपका सही अगला होगा। क्वेश्चन है, खालिस्तान स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम है, तो कौन है? अनुमान, प्रमेय, अविधारणा या फिर उपप्रमेय। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम है तो कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय। प्रमेय स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और यहाँ पर डैश डैश और इसी तरह जो है आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ खालिस्तान के नाम पर है। किसके नाम पर है? यूक्लिड्स के नाम पर, थेल्स या फाई बोनेची या फिर पाइथागोरस, किसके नाम पर है? तब आपका उत्तर जो हो जाएगा फाइबोनेची। फाइबोनेची के नाम पर है, यानी कि 3। इस प्रकार की जो अनंत हैं और इसी तरह आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ जो है किसके नाम पर? फाइबोनेची के नाम पर जाना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्टम से जीवा हाफ कार्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ खालिस्तान भी होगा, क्या होगा? स्पज्या, सेकंड, कोज्या या फिर ज्या, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट से शब्द जीवा हाफ कार्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ज्या। ज्या यानी कि साइनस, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी भी दो आसन्न किवोने की संख्याओं 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है, इस अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोल्डन रेशियो, फिबोने की अनुक्रम, गोल्डन त्रिभुज या फिर लेबर अवेसी, क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके पिछले एग्जाम व्यापम में पूछे गए हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित। तब आपका गोल्डन रेशियो यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। किसी भी दो आसन्न फिबोनाची की संख्या में 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है, इस अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है, तो गोल्डन रेशियो कहा जाता है ना? 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, दिए गए आंकड़ा में एक विशेष पद के प्राप्त होने वाली संख्या को इसका खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखना है, संचयी बारंबारता, भिन्नता, वारंबारता या फिर वर्ग अंतराल। यहाँ पर दिया कि दिए गए आंकड़ों में एक विशेष पद के प्राप्त होने वाली संख्या को इसका क्या कहा जाता है? संचयी बारंबारता, भिन्नता, वारंबारता या फिर वर्ग अंतराल, क्या कहा जाता है? 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वारंबारता। वारंबारता यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर सही होगा। दिए गए आंकड़ा में एक विशेष पद प्राप्त होने वाली संख्या को जो है इसका वारंबारता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारिक उद्देश्यों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य या प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों को किसके रूप में जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 42 को आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन उद्देश्य, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। व्यवहारिक उद्देश्यों को प्रदर्शन उद्देश्यों के रूप में भी जाना जाता है, 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है तो क्या है? परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगत या फिर परीक्षा अंकों की रेटिंग। तो एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ हमें बताना है, कमेंट में लिखें जल्दी से। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परीक्षा अंकों की संगतता। संगतता यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परीक्षा की विश्वसनीयता, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, लागू खालिस्तान लघु गोलक के निर्माता हैं, तो कौन है, कैंटर, जॉन नेपियर, न्यूटन या फिर सिल्वेस्टर। तो लघु गोलक के निर्माता कौन है यहां पर हमें बताना है। तब तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जॉन नेपियर, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। लघु गोलक के जो निर्माता माने जाते हैं वो जॉन नेपियर माने जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का फोक एल्गोरिदम, जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है, खालिस्तान में प्रचलित है, तो बताना है, औपचारिक शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, गांव या फिर विद्यालय में, काय में प्रचलित है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गांव। गांव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही होगा। मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का फोक एल्गोरिदम, जो कि मापन, अनुमान, आकृति और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है, यह गांव में प्रचलित है, और 3 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि खालिस्तान के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो किसके हैं, भास्कर के, नारायण पंडित के, बराह मेहर के या फिर महावीर के। बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि किसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भास्कर, भास्कर 2 यानी कि बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि, ये इनके जो है महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, क्राथ वोल, एडगर डेल, ब्लूम या फिर एंडरसन। तब आपको बताना है, श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण खालिस्तान के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, आपका उत्तर होगा एडगर डेल। एडगर डेल के द्वारा दृश्य श्रव्य सहायकों का वर्गीकरण जो है किया गया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त तो मुख्य तार्किक साधन खालिस्तान है, तो क्या है, निगमनात्मक तर्क है, स्वयं सिद्ध तर्क है, तार्किक तर्क या फिर आगमनात्मक तर्क है। यहाँ पर स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त जो तार्किक साधन है वो कौन सा है हमें बताना है, तो निगमनात्मक, स्वयं सिद्ध या तार्किक या फिर आगमनात्मक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निगमनात्मक, निगमनात्मक यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन खालिस्तान पर जोर देने के लिए होता है, तो किस पर जोर देने के लिए होता है, केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य पुनरीक्षण और प्रतिक्रिया, या फिर केवल अधिकांश अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, या केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगमों में मूल्यांकन का विनिमय। तो आपको बताना है, सतत मूल्यांकन खालिस्तान पर जोर देने के लिए होता है, तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी यानी कि 3 नंबर पर जोर देने के लिए होता है, केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनिमय भी है ना, केवल अधिगम अंतरालों का निदानात्मक सुधारात्मक उपायों का उपयोग भी, और शिक्षकों और छात्रों के साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया भी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की एक निरंकुश ऑटो क्रेडिट शैली को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, अनौपचारिक शैली के रूप में, एकीकृत शैली, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित शैली। तो शिक्षण की एक निरंकुश ऑटो क्रेडिट शैली को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, शिक्षक केंद्रित शैली। शिक्षक केंद्रित यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और खालिस्तान प्रतिक्रिया के पश्चात होता है, तो आपको बताना है, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और खालिस्तान जो है प्रतिक्रिया के पश्चात होता है। तब आपको बताना है, दंडदाता, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन या फिर अन्वेषक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दंडदाता, पहले होता है, नकारात्मक पुनर्बल प्रतिक्रिया से पहले होता है और दंडदाता प्रतिक्रिया के पश्चात होता है ना, तो आपका जो डी नंबर है 4 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता असत्यता के बारे में कहा जाता है सत्यमान, संयोजन, संयोजकता या फिर असत्यता, क्या कहा जाता है? दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को खालिस्तान कहा जाता है, सत्यता या असत्यता को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सत्यमान, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा।